उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उत्तर प्रदेश के विद्वान विधि मंत्री ने, विद्वान वित्त मंत्री ने जो बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया 6,90,282 करोड़ का, निश्चित ही वह उत्तर प्रदेश की जनता की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेगा। मान्यवर, किसी भी देश की व्यवस्था को संभालने के लिए और किसी भी प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए उस प्रदेश और देश की शिक्षा नीति को, उस प्रदेश और देश की आध्यात्मिक व्यवस्था को, धार्मिक स्थलों को और अपनी संस्कृति को संभालने का काम जो सरकार करती है या जो देश करता है, वो निश्चित ही दुनिया के देशों में क्रमांक नंबर एक पर जाने का अपना मार्ग प्रशस्त करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो बन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को बनाते हुए देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगा। और भारत जो अध्यात्म और सांस्कृतिक व्यवस्था से दुनिया के देशों में अपना स्थान बनाते हुए नंबर वन की स्थिति में पहुंचने का काम कर रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सहयोगी साबित होगा। मानवर, शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 255 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में प्रस्तुत किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों को कॉन्वेंट की तर्ज पर स्मार्ट बनाने का, कॉन्वेंट शिक्षा गरीबों को मिले, गरीब का बेटा भी इंग्लिश मीडियम की तरह शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम 2009 के अंतर्गत 40 करोड़ के बजट का प्रावधान, परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा देने के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था। और जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, जो हमारे वेद और पुराण, जिस संस्कृत भाषा में हमारी पहचान थी, आज वो विलुप्त सी होने लगी है। हमारे बजट में संस्कृति विद्यालयों की परिस्थितियों के पुनर्सृजन के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय वित्त मंत्री ने किया है। मैं उन्हें भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, इस सदन में खेल के ऊपर चर्चा करते हुए बार बार छक्के मारने की बात की जा रही थी, मैं कहना चाहती हूं कि कितने भी छक्के मारे, कितना भी अच्छा मैच खेले, लेकिन उन्होंने जो आस्तीन के सांप पाले हैं, वो आस्तीन के सांप उन्हें कभी मैच जीतने नहीं देंगे और ना वो कोई मैच जीतने का काम कर पाएंगे। मान्यवर, हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की के आचरण से पूरी दुनिया में रामचरितमानस के माध्यम से पहचाना जाता है। और हमारे रामचरितमानस पर, राम पर जो प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हिंदी अभिवादनों में सिरमौर है जो राम, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे, फटिक शिला पे सीता माता के चरण चिन्ह, चित्रकूट जैसा पूर्ण धाम भूल जाओगे, शिवरी के जूठे बेर खाए श्री राम जी ने, राम के ऐसे भाव का प्रताप भूल जाओगे और पुरखों के प्रताप को यूं ही भूलते रहोगे तो एक दिन अपने बाप का भी नाम भूल जाओगे। ये भारत की संस्कृति है, भारत के कण कण में राम व्याप्त है। मैं कहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक तपस्वी के रूप में अपने जीवन को जीते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता करने का काम कर रहे हैं,
और उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है कि मेरे सहित सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य को वो शब्द सहन नहीं होते होंगे। लेकिन सदन की मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के लोगों से कि हमारे हिंदू संस्कृति में कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने धर्म ग्रंथ हैं, क्या उन्हें इसका संज्ञान है? अगर हम बॉल पर छक्का नहीं मार सकते, अगर हम टप्पे पे बॉल नहीं मार सकते, तो ये भी ऋग्वेद की छह ऋचाओं का वर्णन इस सदन में खड़े होकर नहीं कर सकते, इनको गीता का एक भी श्लोक याद नहीं होगा। मैं कहना चाहती हूँ भगवान कृष्ण ने इस देश की आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ रखने के लिए जो गीता का उपदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि नांति लिखे ना समुद्र विच्चे ना पपिता नाम विवरम परिषति गहनो कर्मणागति, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर और कहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, हमें भी वैसा फल ईश्वर ने दिया है और तुम्हें भी वैसा ही फल ईश्वर ने दिया है, हम कहाँ बैठे हैं और तुम कहाँ बैठे हो, लगातार चार चुनावों से तुम्हारे ये कर्मों का परिणाम तुम्हें सीखने के लिए मजबूर नहीं करता। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश की लगातार जयघोष करने का काम करते हैं। हम सब आदरणीय अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। अटल जी कहते थे कि यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसका कण कण शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों से कहीं पूछेगा तो हम भारत माता की जय का उद्घोष करने का काम करेंगे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हम सब सदन में बैठे हुए इस पक्ष के लोग लगातार भारत माता की जय बोलने का काम करते हैं। हम भारत की जय केवल इसलिए नहीं बोलते, हम भारत माता की जय करना चाहते हैं। हम भारत की जय इसलिए बोलते हैं कि हम भारत की 133 करोड़ जनता की जनभावनाओं की इच्छाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का संकल्प लेते हैं और तब हम बोलते हैं भारत माता की जय। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को आपके संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ यमुना नदी है और मैं चाहती हूँ कि यमुना के घाट बनाए जाए, यमुना नदी का घाटों का सौंदर्यीकरण हो और हमारे जिला चिकित्सालय को सिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए। और बार बार गोरखपुर के नाले का जिक्र कर रहे थे, अरे इटावा तो चार चार बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आज तक जलभराव से ग्रसित है। मैं मांग करती हूँ आपके माध्यम से कि इटावा की जलभराव की समस्या के लिए आप हमारी सरकार कुछ काम करने का काम करे। हम ठीक माने विधायक जी समाप्त करें। माने राजेश त्रिपाठी जी,